कौमें तारीख की रोशनी में अपने मुस्तकबिल का तायुन करती हैं। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर के करीब 2017 में बनने वाला आर्मी म्यूजियम भी हजारों साल पर मुहित इस खित्ते की तारीख को जिंदा रखने और नई नस्ल को इन अदवार से रूशनास करवाने की एक कामयाब कोशिश है। म्यूजियम में अफवाज पाकिस्तान के हवाले से नवादरात और हजार साल कबल की इस खित्ते की सकाफत, रहन सहन, माशी सरगर्मी और माशरत की तस्वीर कशी की गई है। म्यूजियम के अहाते में दाखिल होते ही शुरू में इंडियन आर्मी से छीने गए टैंक्स नजर आते हैं, जो पाकिस्तान आर्मी की अजमत की दलील है। अंग्रेजों के जुल्म और सितम और ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए मकामी वसाइल पर कब्जे के खिलाफ 1857 की जंग आजादी के मनाजिर को भी महफूज किया गया है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना अला रहमा की अल्फ बर्दारी की मंजरकशी में उनके साथ लॉर्ड माउंटबेटन और मेहमानों की गैलरी में मोहतरमा फातिमा जिना और लेडी माउंटबेटन को बैठे हुए भी देखा जा सकता है। पार्टीशन के वक्त इंसानी हिजरत की दिलदोज कहानी। ट्रेन के मनाजिर में लोगों की परेशानी और पाक फौज के जवानों का किरदार हकीकी मंजर महसूस होता है। कुछ आगे जाएं तो एक भारतीय जीप नजर आती है। 1965 में भारत ने रातों रात पाकिस्तान पर हमले का मज़मूम ख्वाब देखा, लेकिन उसे मुंह की खाना पड़ी। इस मंजर में भारतीय जीप को पाकिस्तानी फौजियों के नरगे में हजीमत से दोचार दिखाया गया है। 1965 की जंग के दौरान अफवाज पाकिस्तान की सरगर्मियों की तस्वीरी झलक भी दिखाई गई है। यहाँ तीर, तलवार, नेजे से लेकर तोड़ेदार बंदूक समेत हर तरह की बंदूकों के मॉडल असलहे के तदरीजी अदवार की निशानदेही करते हैं। 11 में अब तक के पाक आर्मी के सरबराहान के मुजस्मे रखे गए हैं, जिनमें आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का मुजस्मा भी आवेजा है। मुल्की सालमियत और दिफा में अफवाज पाकिस्तान के किरदार और अहमियत की दलील है। कई हजार सालों पे मुहित इस खित्ते की तहजीब जंगों, बैरूनी और अंदरूनी हमलों और सकाफत का अलमबरदार ये म्यूजियम, जहाँ इस खित्ते में जंगों के मिजाज और अस्करी तश्कील के मुख्तलिफ अदवार को उजागर करता है, वहीं हमारी अजमत गुज़िश्ता की एक शानदार निशानी भी है, जो आने वाले अदवार में हमारे माजी को जिंदा रखेगी। अफवाज पाकिस्तान की तारीख कुर्बानियों से रकम है। इस बात को तो खुद पाकिस्तान के दुश्मन भी तस्लीम करते हैं कि जब तक अफवाज पाकिस्तान मौजूद हैं, उस वक्त तक कोई रियासत पाकिस्तान का बाल भी बीका नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह अजीज़।